हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे एसी थ्रू सीरीज आरएनसी सर्किट। सीरीज आरएनसी सर्किट यदि हमारे पास कोई है उस पे हमने यदि एसी अप्लाई किया तो फेजर्स किस तरह से रिलेट करते हैं वो हम देखते हैं। ये आपका सीरीज आरएनसी सर्किट, ये आर है, ये एल है, ये सी है। इसके क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वी आर, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा वी एल, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा वी सी, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट आई, यहाँ का जो वोल्टेज है V is equal to Vm sin omega t। ठीक, ये आपका सर्किट है। सर्किट देख के हमें क्या लग रहा है, यहाँ से यदि हमको ड्रॉ करना होगा फेजर डायग्राम तो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारा V क्या होगा, टोटल V, V जो रहेगा V will be equal to Vr plus Vl plus Vc, ये होगा। ठीक, साथ ही हमको पता है क्या, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, विच इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, which will be z will be equal to magnitude of z will be equal to under root of r square plus x square। इस पूरे को complete को मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया ये x है। ठीक, तो r square plus x square। angle क्या हो जाएगा, angle of z is equal to tan inverse of x by r, x क्या है xl minus xc। ठीक, जहाँ x is equal to xl minus xc है। यहां से करंट I क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट करंट I की बात करें तो I क्या हो जाएगा, V हमारा Vm sin omega t है, I क्या हो जाएगा V by Z, Z हमें पता है क्या है, V हमें पता है क्या है, V is equal to Vm sin omega t divided by Z, magnitude of Z क्या है R square plus X square at an angle tan inverse of X by R। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ I इज इक्वल टू वी एम बाई, ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लेती हूँ, वी एम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय आर, ये I है, I का रिप्रेजेंटेशन। इसका फेजर यदि हम ड्रॉ करते हैं इसी केस के लिए, जस्ट अभी हमको पता नहीं एक्सएल ग्रेटर है एक्सी ग्रेटर है, हम वन बाय वन केसेस कंसीडर करेंगे। अभी के लिए हम क्या देख लेते हैं, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, आई तो हमारा सेम रहेगा, ठीक, इसीलिए हमने उसको रेफरेंस पे ड्रॉ किया क्योंकि आई सीरीज सर्किट है तो आई हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, इसीलिए हमने उसको रेफरेंस एक्सिस पे बनाया। तो ये हमारा आई है, आई के सेम फेज में क्या ड्रॉ होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम फेज में रहेगा। ठीक, मान लीजिए ये आपका VC है, क्योंकि VC क्या होता है, करंट कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट जो रहता है वो हमेशा लीड करता है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, वो लैग करेगा कितने एंगल से, 90 डिग्री से करंट से लैग करेगा। ठीक है, तो करंट फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, तो करंट जा रहा है उसके बाद में वोल्टेज जा रहा है, इसका मतलब करंट लीडिंग है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा होगा, ये VL होगा, यहां से इसे रिजोल्व करेंगे तो ये माइनस VC ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा VL माइनस VC, ये हो जाएगा आपका। और इन तीनों का फेजर समझो, हमने यहाँ लिखा है इन तीनों का फेजर सम, VL माइनस VC और ये R, इन तीनों का फेजर सम हमारा क्या कहलाएगा, V, V, V का क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू I इंटू Z। तो ये आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम वन बाय वन केसेस लेते हैं, मान लीजिए सबसे पहले एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, फिर क्या होता है, देन सेकंड केस लेंगे एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो फिर क्या होता है। अब यहाँ हमारे दो केसेस निकल के आते हैं, फर्स्ट केस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा होगा। केस वन देखते हैं हम, केस वन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, यदि ऐसा होता है इसका मतलब वीएल जो है, वीएल वोल्टेज जो रहेगा इंडक्टर का वो क्या होगा, VL is equal to voltage cross L, which is equal to I into XL, and VC is equal to क्या है, voltage across C, which is equal to I into XC minus of। ठीक, तो यहां हम देखते हैं यदि हम फेजर डायग्राम से समझे इसको तो क्या होगा, ये मेरा है करंट
आई, यहां पर क्या होगा वी आर, वी आर और आई दोनों सेम फेज में रहेगा क्योंकि ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है जो करंट से सेम फेज में होता है। यहां से ड्रॉ करते हैं हम वी एल, वी एल आपका क्या है, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल है, ठीक। नीचे क्या ड्रॉ होगा, नीचे ड्रॉ होगा आपका वी सी, ठीक, क्योंकि वीसी जो है वो लैग करेगा करंट से, कैपेसिटर का वोल्टेज जो रहेगा वो कैपेसिटर के करंट से लैगिंग रहेगा, इसका मतलब करंट जो रहेगा वो लीडिंग रहेगा वोल्टेज से। यहाँ यदि वीसी ड्रॉ करते हैं तो इसको यदि ऊपर रिजोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस वीसी, इसके कारण से यहाँ हमारा आ जाएगा वीएल माइनस वीसी। और इन दोनों का फेजर सम, इन तीनों का फेजर सम हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज वी। वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड, ठीक। जैसे हमने यहाँ बोला आई इंटू एक्सएल, जैसे हमने बोला आई इंटू एक्स ही यहाँ पर है, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आई इंटू जेड विच इज इक्वल टू वोल्टेज वी। तो ये आपका रहता है जब आपका वीसी जो है वो छोटा है, वीएल जो है वो बड़ा है, एक्सएल जो है वो बड़ा है एक्सी से, तो इस टाइम पे नेचर हमारा इसका ये रहता है। फाई क्या हो जाएगा इस समय पे, फाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। अब ये जो एंगल रहेगा लेस देन 90 डिग्री रहेगा और नेचर कैसा रहेगा, वो लैगिंग रहेगा, सर्किट का ओवरऑल नेचर आपका कैसा रहेगा, लैगिंग रहेगा। सेकेंड केस की तरफ आते हैं, सेकेंड केस हमारा क्या हो जाएगा, केस टू, जहां पर XC इज ग्रेटर देन XL। जब XC ग्रेटर देन XL होगा उस समय पे VC शुड बी ग्रेटर देन VL, ऐसा हो जाएगा, ठीक। और phi क्या हो जाएगा उस समय पे, phi हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL, क्योंकि XC बड़ा है, डिवाइडेड बाय R, ठीक। और ये एंगल जो है हमारा यहाँ पर ये phi है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस वापस हमारा क्या रहेगा, करंट रहेगा आई, सेम फेज में क्या ड्रॉ होगा हमारा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कौन सा करंट वोल्टेज ड्रॉ होगा हमारा, यहाँ पर हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉ होगा जो कि बड़ा होगा एज कम्पेयर टू वीसी, यहाँ ड्रॉ होगा वीसी वीएल, ठीक है। VC इज ग्रेटर देन VL क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो उसके क्रॉस वोल्टेजेस भी करस्पॉन्डिंगली रहेंगे, ठीक है। आई लीड कर रहा है कैपेसिटिव वोल्टेज से, आई लैग कर रहा है इंडक्टिव वोल्टेज से, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसे हम नीचे रिजोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा कहीं VC माइनस VL, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो VC माइनस VL। और इन दोनों का जो फेजर सम हमारा रहेगा ये होगा V के बराबर, और यहां से जो एंगल होगा हमारा वो होगा फाइव। V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा I इंटू जेड, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने करंट I ड्रॉ किया, I जो था वो क्या था, यहाँ से सीरीज सर्किट है तो I हमारा रहेगा सेम, सबके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम रहेगा, इसलिए हमने उसको रेफरेंस ड्रॉ कर लिया। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम फेज में होता है, इसलिए हमने वो I के सेम फेज में ड्रॉ कर लिया। फिर हमने कैपेसिटर का वोल्टेज पता है हमें कैसा रहता है, 90 डिग्री से करंट से लैग करता है, इसलिए हमने उसे नीचे ड्रॉ कर लिया। और उसे लेंथ में हमने बड़ा रखा फेजर को, क्यों, क्योंकि उसकी आरएमएस वैल्यू जो रहेगी वो वीएल से ज्यादा रहेगी, इसलिए हमने उसको बड़ा ड्रॉ किया। यहाँ वीएल ड्रॉ कर लिया जो क्या होगा, करंट से लीड करता होगा क्योंकि वो इंडक्टर का वोल्टेज है, इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है तो वोल्टेज लीड करता है, इसलिए हमने वोल्टेज को ऊपर ड्रॉ कर लिया। इसको जब नीचे रिजोल्व किया हमने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वीएल, ये नीचे रिजोल्व करने पे माइनस ऑफ वीएल, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिला तो वो क्या हो जाएगा, वीसी माइनस वीएल, वीसी माइनस वीएल हमको मिला। और इन दोनों का जब हमने तीनों चीजों का, वी क्या था हमारा फेजर, वी इज इक्वल टू था वी आर प्लस वीएल प्लस वीसी, इनका फेजर सम था, तो इन तीनों का जब हमने फेजर सम किया तो हमको क्या मिला, वी आर वीसी माइनस वीएल, ये आपको टोटल वी मिल गया इनका फेजर सम। तो इस तरह से आप फेजर डायग्राम्स आप ड्रॉ करते हैं, ठीक, जब आपका सीरीज एनालिसिस सर्किट होता है और डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए आप एनालिसिस करते हैं।